हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं ममता सचदेवा आप सबके साथ में, और अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन इसलिए देना चाहती हूं कि जिन लोगों ने पहली बार इस वीडियो को विजिट किया है, जिनको नहीं पता मैं कौन हूं, तो थोड़ा सा उनको बता देती हूं। मैं हूं ममता सचदेवा, मैं एक ट्रैवलर हूं, कैबिन क्रू मैनेजर हूं, और मैं इस प्रोफेशन में काफी सालों से हूं। और जितना कुछ भी आसपास घूम के जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती हूं, जो चीजें मेरे मन को भाती है, मेरा मन करता है कि वो मैं अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन तक जरूर पहुंचाऊं। और कुछ एक तो ऐसी काम की बातें होती हैं जो लोगों को नहीं पता होता, या इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं होती। और ऊपर से एक और बात आपको बताती हूं, हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स नहीं हैं। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स का मतलब ये होता है कि रेगुलरली फ्लाइट्स नहीं करते, कोई साल में एक बार जाता है, कोई दो साल में एक बार या तीन साल में। कुछ एक परसेंटेज लोग हैं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, बिजनेसमैन हैं, मीटिंग से जाते हैं, जो भी है। लेकिन अगर मैं मेजोरिटी को देखूं, हमारे देश की जो जनसंख्या है उसको नजर में रख के देखूं, तो अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो एयर ट्रैवल नहीं करते। मतलब कि वो कभी शायद जहाज उन्होंने नहीं देखा है या उसमें बैठे नहीं हैं। तो मैं उन सबके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूं, और इनफैक्ट मैं गारंटी दे सकती हूं कि अगर आप ट्रैवल करते भी हैं तो भी इसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम की है। तो अगर आप चाहते हैं कि ट्रैवल हेल्प या आपको कुछ एक ऐसी चीजें पता चले, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज को जानना बहुत जरूरी है। दो चीजें होती हैं, एक होता है हैंड लगेज, जिसको हैंड बैगेज भी कहा जाता है। हैंड लगेज का मतलब होता है जो बैगेज आप अपने साथ फ्लाइट के अंदर लेके जा सकते हैं, जहाज के अंदर तक, अपनी सीट तक, अपने सीट के ऊपर जो एक सामान का कक्ष होता है वहां पे रख सकते हैं, उसको हम कहते हैं हैंड बैगेज। और जो सामान आपका जमा हो जाता है, जो बड़ा सूटकेस होता है, किसी भी रूप में होता है, उसको हम चेक इन बैगेज बोलते हैं। तो अभी मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करती, आज हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करने वाले हैं हैंड लगेज या हैंड बैगेज, मैं उस टर्मिनोलॉजी को यूज करूंगी, वो जो सामान आपके साथ फ्लाइट के अंदर जाता है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा सख्ती होती है कि आप उसमें क्या क्या लेके जा सकते हैं, क्या क्या नहीं लेके जा सकते। तो अगर आप चाहें तो आप लिस्ट भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को जितनी बार चाहें मर्जी प्ले करके आप देख सकते हैं। आपको भी लगेगा, अरे यार इसका क्या मतलब है, ये चीज तो बहुत सिंपल सी है, इसको क्यों नहीं ले जाना। तो मैं आपके लिए ये वीडियो इसलिए बना रही हूं कि मैं ट्रैवल खुद करती हूं, तो मैं कुछ रीजंस भी आपको साथ में बताऊंगी, जिससे कि आपको खुद आप अग्री भी करेंगे कि वाकई ये चीज जो है फ्लाइट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। और अगर आप किसी को ले जाते भी देखेंगे तो आप उसके बारे में डेफिनेटली सिक्योरिटी को बताएंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो चीज फ्लाइट को, फ्लाइट की सेफ्टी को, लोगों को हार्म कर सकती है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज है जिसका हमें लगता है कोई कसूर नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं जिससे हो सकती, वो है रस्सी, रोप जिसे हम कहते हैं। रस्सी क्या नॉर्मल सी चीज है, कभी हम सोच लेते हैं कि हम फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, वहां कपड़े टांगने के लिए शायद हमें रस्सी की जरूरत है, किसी और चीज के लिए हमें रस्सी की जरूरत है। तो रस्सी को जो है आप अपने हैंड बैगेज के अंदर डाल के अपने साथ फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते। उसका कारण ये होता है वो एक ऐसी चीज है जिससे आप गला घोट के किसी को मार सकते हैं, या उसके साथ कुछ भी और जुड़ी चीजें होंगे, मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में तो यही एक बात आई, तो मैंने आपको बता दिया है। तो रस्सी फ्लाइट के अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता। किसी भी तरह का जो स्पोर्ट्स का सामान होता है, उसमें मैं कुछ एक चीजें गिनवा देती हूं, कंप्लीट लिस्ट मेरे पास नहीं है। फिशिंग रॉड, रॉड, बैट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन का जो खेलने वाला रैकेट होता है, टेनिस रैकेट होता है, गुलेल, बेसबॉल का जो बैट होता है, हॉकी स्टिक होती है, तीर कमान होता है, या गोल्फ का सामान होता है, कोई गेंद होती है, या फूला हुआ फुटबॉल होता है, ये सारी चीजें फ्लाइट के अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता। क्योंकि ये सारी चीजें आप किसी को मारने के लिए या किसी को सेल्फ डिफेंस में या किसी भी तरीके से यूज हो सकती हैं ये चीजें, तो इसलिए सेफ्टी सिक्योरिटी रीजन से ये सारी चीजें फ्लाइट के ऊपर ले जाना उनकी मनाही होती है। वॉकी टॉकी, अगर आपने नाम सुना हो, जैसे दो वॉकी टॉकी होते हैं, जैसे लोग एक दूसरे से बात करते हैं, या मैंने कभी वॉकी टॉकी यूज नहीं किया, सिर्फ मैंने उसके बारे में सुना है। वॉकी टॉकी कई बार हमने अपने पुलिस वालों को या अपनी आर्मी को या कई लोगों को यूज करते हुए देखा होगा, वो सैटेलाइट के थ्रू चलता है। तो उससे जैसे एक बंदा बोलता है उस फोन के अंदर, तो दूसरे को उसकी आवाज आती है, वो फ्लाइट के अंदर ले जाना या उसकी यूसेज भी जो है वो फ्लाइट में प्रोहिबिटेड होती है। उसका कारण ये होता है कि सैटेलाइट के थ्रू ही कैप्टन को जो मैसेजेस मिलते हैं, जिससे उनकी कम्युनिकेशन होती है, कितने लेवल पे फ्लाइट को रखना है, कितने लेवल ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, तो अगर वॉकी टॉकी फ्लाइट में कोई यूज करने की कोशिश करेगा तो उसमें इंटरप्शन हो सकती है, जिसकी वजह से वॉकी टॉकी फ्लाइट में ले जाना और यूज करना अलाउड नहीं होता। लाइटर, सिगरेट पीने वालों के लिए
अच्छी खबर या बुरी खबर लाइटर फ्लाइट में ले जाना अलाउड नहीं होता है। अगर आप छुपा के ले जाएं तो ठीक है, आप ले जा सकते हैं, लेकिन आइडली लाइटर लेके जाना अपनी जेब में या अपने बैगेज में, हाथ वाले बैगेज में बिल्कुल अलाउड नहीं होता। उसके अलावा माचिस भी, जो तीली जलाने वाली माचिस जो जो हम तीली जला के फेंकते हैं, वो भी अलाउड नहीं होती है। तो मैच बॉक्स भी अलाउड नहीं होता है। उसके अलावा कोई भी घर की रिपेयरिंग का सामान, जैसे ड्रिल हो गई, हथौड़ी हो गई, यू नो स्क्रू ड्राइवर हो गया, जिसको हम पेचकस भी बोलते हैं, कोई भी ऐसी तीखी नोकेली चीज, इवन वाइन बॉटल को ओपन करने के लिए जो ओपनर आता है वो भी आगे से शार्प होता है, वो भी आप नहीं ले जा सकते। चाकू छुरी नहीं ले जा सकते, कैंची नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगेन इस चीज को आप किसी को मारने के लिए, काटने के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा सिक्योरिटी वाले सोचते हैं। मैं नहीं सोच रही, लेकिन मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूं कि ये सारी चीजें फ्लाइट में ले जाना अलाउड नहीं होता है। किसी भी तरह की केमिकल पाउडर, जैसे केमिकल ब्लीचेस आती हैं, या कोई भी ऐसा केमिकल जिससे कोई चीज भी गलत फ्लाइट के ऊपर बनाई जा सकती है, वैसा कोई भी पदार्थ फ्लाइट के ऊपर ले जाना अलाउड नहीं होता है। उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आपको लेके जाना है किसी ऑफिस पर्पज से, तो आपको कंपनी में प्रॉपर लेटर देना पड़ता है क्या सब्सटेंस है, वो उसकी सैंपल लेते हैं, उसके बाद उसको कहां पे स्टोर करना है फ्लाइट में, आपके हाथ में देना है या मैनेजमेंट या फ्लाइट वाले उसको कहीं संभालेंगे तो वो आपको बता देंगे, लेकिन ऐसा कोई सब्सटेंस फ्लाइट के ऊपर लेके जाना अलाउड नहीं होता। उसके बाद नेल कटर की भी काफी कॉन्ट्रोवर्सीज है। अगर तो नेल कटर आपका सीधा नेल कटिंग करने वाला नेल कटर है तो इट्स ओके, लेकिन अगर उसमें छोटी सी नाइफ है तो फिर वो अलाउड नहीं होता, तो इस चीज को हमें माफ कर लीजिएगा। उसके बाद बात आती है सीजर, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, स्क्रू ड्राइवर मैंने बोल दिया है, ब्लीचिंग पाउडर, कपड़े धोने के लिए एक ब्लीचिंग पाउडर आता है, वो भी फ्लाइट पे ले जाना अलाउड नहीं है। उसका भी वही कारण है, मैं आपको खुल के बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन्फॉर्मेशन शेयर करने के नाते मैं आपको बोल देती हूँ, कुछ एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको मिक्स करके बहुत गलत चीजें बनती हैं, और वो एक बार हो चुका है किसी फ्लाइट के ऊपर, जिसकी वजह से ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसके ऊपर लिक्विड्स का जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो मैं वीडियो के एंड में आपको एक्सप्लेन करूंगी, उससे रिलेटेड ये बात है। तो इसलिए कोई भी केमिकल जो प्रोडक्ट है, खास करके ब्लीच हो गई, इस तरह की कोई चीज भी फ्लाइट के ऊपर ले जानी अलाउड नहीं है। रिमोट ऑपरेटेड टॉयज, जैसे गाड़ियां होती है जो आप रिमोट से चला सकते हैं, या हेलीकॉप्टर छोटे छोटे आते हैं जो आप रिमोट से उड़ा सकते हैं, तो वो भी फ्लाइट में ले जाना अलाउड नहीं होता है। सिंपली रीजन है, कन्फाइंड स्पेस है, अगर आपका बच्चा या आप उस चीज को फ्लाइट में उड़ाएंगे तो किसी की आंख में लग सकता है, किसी के सिर पे टकरा सकता है, और एनीवे आपको क्या पता उसके अंदर क्या फिट हो, यू नेवर नो। तो इस वजह से सिक्योरिटी सेफ्टी रीजन से वो चीज भी फ्लाइट में ले जाना अलाउड नहीं है। कुल्हाड़ी, तीखे हथियार, चाकू, ब्लेड, इवन शेविंग ब्लेड, जो ब्लेड आते हैं, हाँ अगर वो शेवर में लगा हुआ ब्लेड हो तो वो अलग बात है, चौड़ा वाला ब्लेड नहीं जिसको आप रिमूव कर सकते हैं, अगर जैसे शेवर होता है, जो शेवर है जिसके अंदर फिट है, ब्लेड निकल नहीं सकता, वो अलाउड है। लेकिन वैसे ब्लेड, स्विस नाइफ, गन ऑफ कोर्स, बुलेट्स, या कोई भी मतलब इस तरह की लुकिंग चीज जिससे आप किसी को धमका सकते हैं, डरा सकते हैं, फ्लाइट पे ले जाना अलाउड नहीं होता है। किसी भी तरह का हथियार नुकीली चीज, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल ले जाना अलाउड नहीं है। गैस लाइटर, जैसे हम गैस जलाने के लिए लाइटर यूज करते हैं, वो भी उसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हाईली फ्लेमेबल होता है, तो वो भी फ्लाइट में ले जाना अलाउड नहीं है। एनी एक्सप्लोजिव्स, एम्यूनेशंस, एनीथिंग लाइक रेजर ब्लेड्स, यू नो मार्शल आर्ट डिवाइसेस, ये सब अलाउड नहीं है। तो ये सारा मैंने बनाया था आप सबके लिए एक लिस्ट, पर ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो फ्लाइट में ले जानी अलाउड नहीं है, लेकिन ये मेजर मेजर चीजें थी। एक और मैं आपको बता दूं, जो मैंने पहली वीडियो पे भी बताया था कि फुटबॉल फूला हुआ क्यों ले जाना अलाउड नहीं होता, क्योंकि कोई भी उसमें किसी भी तरह की ऐसी गैस भर के ले जा सकता है जिससे वो लोगों को हार्म कर सकता है। तो इस वजह से फूला हुआ फुटबॉल हो गया, फूला हुआ बैलून हो गया, या कोई ऐसा टी शर्ट आप ना पहन के जाए फ्लाइट पे, जिसके ऊपर कोई वल्गर कमेंट्स लिखे हों, या जिसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई प्रोवोकिंग चीजें लिखी हों, रिलीजन से रिलेटेड कोई प्रोवोकिंग चीजें लिखी हों, तो उससे भी आपको ऑफलोड किया जा सकता है या आपको पनिश किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद अभी लास्ट में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक चीज बताऊंगी, वो है लिक्विड्स के बारे में। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जाने के लिए जब हम लिक्विड्स कैरी करते हैं, तो लिक्विड्स को कैरी करने के लिए एक ऐसे जिप बैग की जरूरत होती है। तो ये एक जिप बैग है, इसकी अगर आप चौड़ाई देखना चाहते हैं तो मैं आपको हाथ से दिखा रही हूं, मेरे जितना हाथ खुल रहा है उतना ही चौड़ा है और अप्रोक्सीमेटली उतना ही लंबा है। तो इसका साइज तो मैं प्रॉपरली आपको नहीं बता पाऊंगी कितना सेंटीमीटर है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपको समझ आ गई होगी।
तो ये आप अगर कोई लिक्विड या जेल वाली चीज या कोई भी ऐसी चीज अगर आप अपने साथ, जैसे मेकअप भी लेडीज का होता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूं, तो वो इसमें होना चाहिए प्रॉपरली। और टोटल जो ML है सब प्रोडक्ट्स का मिला के 1000 ML से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर एक प्रोडक्ट की बात करूं तो कोई भी प्रोडक्ट 100 ML से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी 1000 ML अलाउड है तो मैं 200 ML का हेयर स्प्रे डाल लेती हूँ, 200 ML का ये डाल लेती हूँ, लेकिन टोटल 1000 ML बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है। आपके प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम 100 ML होने चाहिए। अगर छोटे बड़े प्रोडक्ट मिक्स हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1000 ML के बराबर का ही होना चाहिए। और एक और रूल होता है कि सारे प्रोडक्ट्स डलने के बाद, जैसे मस्कारा है, कोई भी सामान जो आपने इसमें रखा है, उसके बाद ये जो बैग है वो जिप लॉक होकर से बंद होना चाहिए। और आप ये नहीं कह सकते कि मैं 2 या 3 प्रिपेयर कर लूं अपने लिए, आप सिर्फ एक ही ले जा सकते हैं हैंड बैगेज में। अगर आपकी कोई ऐसी टॉयलेटरीज है या कोई ऐसा लिक्विड सामान है वो आप अपने चेक इन बैगेज में डाल सकते हैं, जो बैग आप जमा कराते हैं। हैंड बैगेज में रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है। तो आप अगर लिक्विड्स की बात करें तो आप 1000 ML टोटल, और अगर इंडिविजुअल एक एक प्रोडक्ट्स की बात करूं तो 100 ML जो है मैक्सिमम लिमिट होती है। ऐसा भी नहीं आप कर सकते कि अगर मान लीजिए आपने कोई एक प्रोडक्ट खरीदा, वो 200 ML लिक्विड था या 200 ML शेविंग फॉर्म है या 200 ML की वो जेल है, उसमें से 100 ML आपने यूज की हुई है, आधा कंटेनर खाली है, तो भी वो अलाउड नहीं होता, क्योंकि उसको जो डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाएगा, ना कि कितना यूज किया है कितना नहीं यूज किया है। तो ये सब चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो कोई भी ऐसी चीज जो फ्लाइट की सेफ्टी को, पैसेंजर्स की सेफ्टी को, आपकी सेफ्टी को जेपरडाइज कर सकती है, किसी को परेशान कर सकती है, वो चीजें फ्लाइट में अलाउड नहीं होती। कुछ एक चीजें इंफॉर्मेशन आपको वो कहीं पे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको वो इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। लाल मिर्ची का पाउडर फ्लाइट में ले जाना अलाउड इसलिए नहीं होता कि वो किसी की आंखों में डालकर भी आप उसको अंधा कर सकते हैं, कोई गलत काम कर सकते हैं, तो इसलिए लाल मिर्ची का पाउडर भी फ्लाइट में ले जाना अलाउड नहीं होता। या कोई भी ऐसा सब्सटेंस अपने साथ ले जाना अलाउड नहीं होता जिसको यूज करके आप किसी को तंग कर सकते हैं। पेपर स्प्रे भी फ्लाइट में अलाउड नहीं होता, या कोई भी ऐसा स्प्रे अलाउड नहीं होता जिससे आप, मतलब कोई, जिसमें कोई जहरीली गैस हो या कुछ ऐसा हो। तो ये था एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा लिस्ट जो मैंने प्रिपेयर किया। बिलीव मी, मैं सुबह से लगी हुई थी, पूरी रिसर्च मैंने की इस चीज के ऊपर, काफी सारी चीजें मैंने इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन मैं अभी भी आपको कह रही हूं कि काफी चीजें ऐसी भी होंगी जो मेरे से मिस हो गई होंगी। तो आप उनको कैसे ढूंढ सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आप उस इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए तो आप उस इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए ये कर सकते हैं कि जब भी टिकट आप बुकिंग करते हैं तो वो टिकट के नीचे हमेशा कंपनी जो है, जिसमें भी एयरलाइन में आप जाएंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन में लिखा होता है कौन सी चीजें अलाउड है कौन सी नहीं है। अगर उसमें आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले पूरी, तो आप जब चेक इन कर रहे होते हैं तो उस वक्त वहां पे एक बोर्ड पड़ा होता है काउंटर के ऊपर, आप उसके ऊपर भी देख सकते हैं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपके चेक इन बैगेज में आपने गलत डाली है या हैंड बैगेज में गलत डाली है, तो उस टाइम भी आप उसको रिमूव करके डिस्कार्ड कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। उसका कोई फाइन नहीं है, उस पर आपको कोई सजा नहीं होगी। लेकिन अगर रूल्स को जानते हुए आप किसी चीज को गलत तरीके से यूज करते हैं या गलत तरीके से ले जाते हैं तो आप पकड़े जाते हैं, तो फिर इल्जाम जो है वो आपके ऊपर आ सकता है। तो इसलिए ये मैंने लिस्ट आपके लिए बनाई ताकि आपको आने वाले टाइम में इन सब परेशानियों में से ना गुजरना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हो बताना मत भूलिएगा, हेल्पफुल था नहीं था कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स की वेट रहेगी। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट दे दीजिएगा, बुरा लगा तो कोई बात नहीं, बुरा कमेंट भी दे दीजिएगा, मैं बहुत खुशी से और दिल से आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। हाँ, रिप्लाई नहीं कर पाती उस चीज की अपॉलोजीज चाहती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको पता चलता रहे मैं कहाँ हूँ, क्या मेरे अपडेट्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए, इस मेरे चैनल के साथ और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको आई होप कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, अच्छी से अच्छी वीडियोस लाऊंगी। और अगर आपका कोई सजेशन है किसी चीज के ऊपर, आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं ट्रैवल से रिलेटेड, तो मुझे बताइएगा, जब मुझे मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। सो टिल देन गाइज, मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ विदा, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून। बाय बाय।